अभी हम देख रहे हैं डॉक्टर रेड्डी का चार्ट। तो यहाँ पे जैसे ही देख सकते हैं मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बनाया। ठीक है, डबल बॉटम पैटर्न का एक नेकलाइन हो गया। ठीक है, देखिए पिछले बार भी यहाँ पे सपोर्ट लेता था, जैसे ब्रेक डाउन दिया यहाँ पे रेजिस्टेंस एक बार फेस किया, लेकिन फिलहाल इसने ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे देखिए उसी लेवल से उसको सपोर्ट मिला है, इतना बड़ा मोमेंटम दिया वहां से, तो यहाँ पे डबल बॉटम सेटिस्फाई करता है। और यहाँ पे देखिए अगेन उसी लेवल पे ही उसको सपोर्ट मिला है। तो ये क्या, ये और ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है वो देखेंगे। डबल बॉटम पैटर्न को ध्यान रखिए यहाँ पे। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे देखिए, मार्केट जो है उसका पिछला रेजिस्टेंस के आसपास है। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो अगेन यहाँ पे ट्राई हो रहा है। क्या यहाँ पे इतना बायर्स मिल गए कि इसको ब्रेकआउट दे दे? ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे ही आया मार्केट, यहाँ से उसको रिजेक्शन मिला और सपोर्ट के आसपास आ गया। सपोर्ट पे उसको बाउंस बैक मिला और अभी रेजिस्टेंस के आसपास आया। यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है वो देखने वाले। यहाँ पे अगेन इसको इसमें भी रिजेक्शन मिल सकता है, अदरवाइज यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है। तो दोनों तरह का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए अभी कुछ ट्रेड मत कीजिए इनिशिएट, इस लेवल पे क्या मार्केट रिएक्ट करता है वो देखने वाली बात है। 5000 साइकोलॉजी लेवल भी है, तो वहां पे मार्केट क्या बिहेवियर दिखाता है, इधर ऑफसाइड ब्रेकआउट और यहाँ से रिजेक्शन लेता है। तो हम देखें, अगर रिजेक्शन लेते हैं तो आपका टारगेट पहले ये होना चाहिए, अगर इसको ब्रेक डाउन देन आप यहाँ तक टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से कुछ क्वांटिटी निकाल दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अगर निकाल दीजिए, अगर यहाँ पे अगेन कन्फर्मेशन मिल जाता है तो वहाँ पे अगेन ऐड कर दीजिए। ठीक है, वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज, ब्रेकआउट का इंतजार कीजिए, तभी यहाँ पे लॉन्ग साइड एंट्री कीजिएगा। तो देख के आपको करना पड़ेगा।